Hello everyone and welcome to today's session. Today we will continue with our chapter, our environment. Few topics are left in our chapter. Today we will deal with what is solid waste. Solid waste kya hota hai? The waste which arise from the human activities is known as solid waste. जितना भी वेस्ट ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू जनरेट होता है उसे हम सॉलिड वेस्ट कहते हैं। बच्चे बहुत सारी टाइप्स का होता है और बहुत सारी नेचर नेचर की बात करते हैं तो हम इसके ये कि किस कंपोनेंट का बना है, ये बायोलॉजिकल नेचर का भी हो सकता है, ये केमिकल नेचर का भी हो सकता है। अगर मैं बायोलॉजिकल नेचर की बात करूं तो ये कुछ ऐसे होते हैं उसमें जो इन्फेक्शियस हैं, जो हमें कहीं ना कहीं पे कोई डिजीज कॉज कर सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन इन्फेक्शियस होते हैं जिससे हमें कोई खास खतरा नहीं है। केमिकल नेचर की बात करूं, कुछ ऑर्गेनिक होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक, और कुछ इसमें जो है वो इनर्ट रहते हैं, ना वो ऑर्गेनिक होते हैं ना वो इनऑर्गेनिक होते हैं। बट ये सॉलिड वेस्ट हमारे लिए डिफिकल्ट भी होते हैं बहुत जगहों पे जहां पे ये कोई डिजीज कॉज कर लें। अब क्या मेथड्स हैं, कैसे हम इसको सेफली डिस्पोज कर सकते हैं इन वेस्ट को? सबसे पहला मेथड है इंक्रीनेशन। इंक्रीनेशन क्या होता है? एरोबिक बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम किसी सॉलिड वेस्ट को बर्न करते हैं लाइक गार्बेज या रबिश या डेड एनिमल्स को एट हाई टेम्परेचर पे, तो इसे इंक्रीनेशन कहा जाता है। नेक्स्ट वी हैव पायरोलिसिस, एनएरोबिक बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट। एनएरोबिक का मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब हम सॉलिड वेस्ट को बर्न करते हैं एट हाई टेम्परेचर तो उसे पायरोलिसिस कहा जाता है। आपको समझ आ गया बच्चे, इंक्रीनेशन का मतलब है एरोबिक बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और पायरोलिसिस का मतलब है एनएरोबिक बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में। सेग्रीगेशन, एज द नेम सजेस्ट, इसका मतलब होता है सेपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट। जैसे हम बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को आपस में डिफ्रेंशिएट कर लें। आजकल बहुत सारी गाड़ियां भी जो है वो लाई जाती हैं जिसमें आपको अलग अलग बॉक्सेस दिखेंगे जिसमें अलग अलग टाइप की जो वेस्ट है उनको डालने के लिए कहा जाता है। कंपोस्टिंग, सॉलिड वेस्ट इज डाइजेस्टेड एरोबिकली और एनएरोबिकली बाय माइक्रोबियल एक्शन। बच्चे जब हमने ऊपर बात की, हमने बोला एरोबिक इंक्रीनेशन, एनएरोबिक पायरोलिसिस। अब जब मैं कंपोस्टिंग की बात कर रही हूं तो इसमें एरोबिकली भी हो सकता है और एनएरोबिकली भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि माइक्रोब्स का एक्शन उस पर होता है और माइक्रोब जहां पे भी होंगे वो डिकम्पोजर्स की तरह वर्क करते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं उनको ह्यूमस में। अब ये ह्यूमस क्या होता है बच्चे? ये ह्यूमस मटेरियल आपको, आप इसकी बेस्ट एग्जांपल कहाँ देख सकते हैं? जब आप एक गार्डन की सॉइल लेते हैं और एक प्लेग्राउंड की सॉइल लेते हैं, प्लेग्राउंड की सॉइल जो होती है वो पूरी की पूरी बंजर होती है, उसमें कोई भी ह्यूमस प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन जब मैं गार्डन की सॉइल बात करती हूँ तो उसमें दैट वॉज रिच ऑफ ह्यूमस, आप उसमें कोई भी प्लांट ग्रो करवाओ वो फटाफट ग्रो कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपनी कम्युनिटी में क्या करते हैं, छोटे छोटे पोर्स बनाते हैं, मैन्यूर ऐड होती है, नीचे लेके जाते हैं ऊपर लेके जाते हैं, कहीं ना कहीं पे वो वहां का ह्यूमस जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। दैट इज द मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट का मतलब है जो ह्यूमिडिटी जो हमें चाहिए वो सब उसमें प्रेजेंट होती है एक ह्यूमस रिच सॉइल में। तो कंपोस्टिंग क्या होती है? एरोबिकली और एनएरोबिकली किसी भी माइक्रोबियल एक्शन के थ्रू जब आप सॉलिड वेस्ट को डीजनरेट कर रहे हैं। इंक्रीनेशन जो पहले भी बात हो गई है, दैट इज एरोबिक बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट। ये पिक्चर मैंने आपको यहाँ पे इंक्रीनेशन की दिखाई है, ये एक ऐसा डाइजेस्टर रहता है, इसमें सॉलिड वेस्ट डालते हैं और ऑन कर देते हैं एट हाई टेम्परेचर पे, जिसकी वजह से जो सॉलिड वेस्ट है वो डिग्रेड हो जाता है। तो सॉलिड वेस्ट क्या है, कुछ टाइप्स हैं उसकी और जो उनके डिस्पोजेबल मेथड्स हैं। बच्चे फूड चेन फूड वेब की बात हमने बहुत पहले ही कर ली थी लेकिन उसके डिफरेंस की बात हम नहीं कर पाए थे। डिफरेंस में क्या रहता है, जो फूड चेन है आपको पता है यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, लेकिन फूड वेब क्योंकि वो एक नेटवर्क है तो उसमें बहुत सारी डायरेक्शन जो है वो इनकॉर्पोरेट होती है। फूड चेन एक सिंगल एनर्जी पाथवे है, वो सीधे जाता है, और फूड वेब जो है इट इज अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स, बहुत सारी फूड चेन्स जो है वो मिलती हैं और फूड वेब
बनती हैं। फूड चेन हमेशा ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती है, लेकिन जब मैं फूड वेब की बात करूं इसमें इतने लिंकेजेस और क्रॉसेस होते हैं दैट यू आर नॉट अवेयर फ्रॉम वेयर इट इज स्टार्टिंग। आप इसके जो डिफरेंस है उसमें डायग्राम भी ऐड कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू राइट एड डायग्राम, आई हैव रिटन दिस ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आप यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे फूड चेन में भी और फूड वेब में भी, जो कि मैंने अपनी पहले की स्लाइड्स में दिखाई है। नेक्स्ट जो हमारे पास है बच्चे, आज हम लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं। हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स इस यूनिट के कवर कर लिए हैं और अब जो हमारे पास है दे आर द क्वेश्चन आंसर्स विच आर रिलेटेड टू योर टॉपिक। मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स के आंसर्स यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ क्योंकि वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं, सिर्फ जस्ट दूंगी और कुछ यहाँ पे समझाऊंगी। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन हमने पहले ही बात कर ली है, इम्यून सिस्टम को खराब करता है, क्रॉप्स की डिग्रेडेशन करता है, कैटरैक्ट के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, ग्रोथ नहीं हो पाती है प्लांट्स की सही तरीके से, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस खराब हो जाता है, स्किन कैंसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फूड चेन आर एडवेंटिशियस? सबसे ज्यादा एडवेंटिशियस बच्चे टू स्टेप फूड चेन होती है जिसमें प्लांट और मैन रहते हैं। रीजन, प्लांट ने एनर्जी ली और सीधे किसको दे दिया, हमने प्लांट खाया सारी एनर्जी हमें मिल गई, बीच में कोई भी एंटर नहीं हुआ, तो हमें सबसे ज्यादा एनर्जी मिलने के चांसेस इसी टू स्टेप फूड चेन में होते हैं। बायोमास, लिविंग मैटर इन एनी ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोमास। देन वी हैव हाउ डू डिकम्पोजर्स ऑब्टेन देयर फूड, ये क्या करते हैं बच्चे, इंजाइम्स क्रिएट करते हैं जो डेड मैटर पे जाता है, डेड मैटर से कुछ ना कुछ जो है मटेरियल चेंज होता है और ये उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरह से जो डिकम्पोजर्स हैं वो अपना खाना लेते हैं। नेक्स्ट, इफ ऑल वेस्ट वी जनरेट इज बायोडिग्रेडेबल देन वॉट विल बी द इम्पैक्ट, अगर सारा का सारा जो जनरेट हो रहा है वो बायोडिग्रेडेबल होगा तो क्या इम्पैक्ट होगा इन्वायरमेंट पे? बच्चे इन्वायरमेंट बहुत ही नीट एंड क्लीन हो जाएगा, ऐसा ऑल तो होता नहीं है, लेकिन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कोई भी की तरह से पॉइजनस नहीं होता है, तो वो नीट एंड क्लीन जो है इन्वायरमेंट वो जनरेट कर देगा। नेक्स्ट वी हैव वॉट आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बच्चे सॉइल पोल्यूशन, डिफिकल्टी इन रिसाइकलिंग, ये वेजिटेशन जो वेजिटेशन ग्रोथ है वो नहीं होने देता है, तो ये और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉज करता है। व्हाट विल हैपन इफ ऑल कार्निवोर्स आर रिमूव्ड, अगर हम सारे कार्निवोरस रिमूव कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो हर्बीवोरस हैं उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी और वो ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स खाने शुरू हो जाएंगे, और जब ज्यादा प्लांट खाएंगे तो प्लांट बचेंगे ही नहीं, और प्लांट नहीं बचेंगे तो ये तो डेड लैंड बन जाएगी, लाइफ जो है वो खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होता बच्चे, क्योंकि फूड वेब में कोई ना कोई कार्निवोर किसी न किसी तरह से हर्बीवोरस को खा ही लेता है, तो अगर ऐसा होगा तो वो अफेक्ट करेगा। व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन वन ट्रॉफिक लेवल, ये क्वेश्चन ऊपर वाले से रिलेट ही कर रहा है, क्योंकि अगर हम किसी भी एक ट्रॉफिक लेवल को किल कर देंगे तो जो उसको ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वाला ट्रॉफिक लेवल है वो भी मर जाएगा, वो उस पर डिपेंड करता है फॉर द एनर्जी, तो जब वो भी खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कोई भी फॉर्मेशन होने की चांसेस नहीं रहेंगे। हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, हम इसे वर्मी कंपोस्टिंग से खत्म कर सकते हैं बच्चे। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है कि आप सॉइल में बहुत सारे माइक्रोब्स डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग की बेस्ट एग्जांपल है अर्थवॉर्म को लेके ना, जो क्या किया जाता है फील्ड्स में डाल दिया जाता है, और ये अर्थवॉर्म जो है इनका जो चलने का तरीका होता है वो बहुत ही अलग सा होता है, ये अपने सारे के सारे पहले आगे आते हैं फिर मूव करते हैं फिर आगे आते हैं फिर मूव करते हैं, उस वजह से ये क्या करते हैं ऊपर की चीज जो है मैन्यूर वो नीचे ले जाते हैं, नीचे का मैन्यूर चीजें जो है वो ऊपर ले आते हैं, और इस तरह से ये पूरी की पूरी मैन्यूर को जो है वो मिक्स कर देते हैं इन द फील्ड। तो वर्मी कंपोस्टिंग इस तरह से करवाई जा सकती है जिसकी वजह से वेस्ट जो है वो इकट्ठा नहीं होगा। यूज ऑफ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ये आपने अभी एग्जाम्पल इसमें देखी होगी है कि पहले पहले जो प्लास्टिक के कप्स आते थे वो प्योरली प्लास्टिक होता था, उसके बाद हमारे पास मिट्टी के कप आने स्टार्ट हुए थे, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली था और तो वो बहुत अच्छा था क्योंकि वो सॉइल बिल्कुल प्योर होती है, लेकिन वो कॉस्टली हो गया। अब जो हमारे पास आ रहे थे फिर फोम के आ रहे थे, और अब उससे भी अच्छी क्वालिटी आनी स्टार्ट हो गई है जो इको फ्रेंडली है, तो हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं।
कुछ क्वेश्चन आंसर्स बच्चे मैंने नहीं लिए हैं बिकॉज वो सारे उन टॉपिक्स के साथ रिलेट कर रहे हैं। आप यहाँ से सिर्फ समझेंगे, रिटन पोर्शन जो है वो आप जो आपको पीडीएफ फाइल्स दी जा रही हैं उसके थ्रू ही लर्न करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू।